COP27 में ग्लोबल शील्ड लॉन्च। संयुक्त राष्ट्र COP27 शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली योजना ग्लोबल शील्ड लॉन्च की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदाओं के बाद गरीब देशों को धन प्रदान करना है। ये योजना बाढ़, सूखा और तूफान जैसी घटनाओं के बाद पूर्व व्यवस्थित बीमा और आपदा सुरक्षा निधि प्रदान करेगी। यह जर्मनी और जलवायु कमजोर देशों के V20 समूह द्वारा समन्वित है। ये जर्मनी से 170 मिलियन यूरो और डेनमार्क व आयरलैंड सहित अन्य दाताओं से 40 मिलियन यूरो के वित्त पोषण द्वारा समर्थित है। बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल को ग्लोबल शील्ड पैकेज के शुरुआती प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह सरकारों, समुदायों, व्यवसायों और परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा के साधनों का विस्तार करेगी और आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। आपको बता दें, COP27 जलवायु वार्ता को नवीनतम रूप से 2024 तक दुनिया के सबसे कमजोर देशों के लिए बढ़ते जलवायु नुकसान से निपटने के लिए एक ठोस रास्ता खोजने का काम सौंपा गया है। G7 देशों ने घोषणा की है कि इस पहल को COP27 के बाद तुरंत लागू किया जाएगा। इस पहल को ग्लोबल शील्ड हाई लेवल कंसल्टेटिव ग्रुप द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें V20, G7 और G20 के प्रतिनिधियों के साथ साथ कई थिंक टैंक, नागरिक समाज और बहुपक्षीय संगठन शामिल होंगे।